सही वर्ड्स बिन गाइस, दिस इज शाहरुख और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जो एडमोब का एड्स है थैंकेबल ऐप पर क्यों शो नहीं हो रहा है। अगर थैंकेबल ऐप पर शो नहीं हो रहा है तो एंड्रॉइड स्टूडियो पर हो रहा है या नहीं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो या कैसे वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और मैसेज भी किया पर्सनली कि उनका जो एडमोब है उस पर एड्स शो नहीं हो रहा है, पेज भी हो रहा है, एड रिक्वेस्ट हो रहा है लेकिन इंप्रेशन नहीं आ रहा है थैंकेबल ऐप्स पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ थैंकेबल ऐप पर नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो का भी जो ऐप्स है अगर आप नया करके बनाएंगे, नया एडिटिंग बनाएंगे तो उस पर भी ऐड शो नहीं होगा। अगर आपका जो ऐप है वो एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी बनाएंगे तब भी शो नहीं होगा। ये मैंने ट्राई किया और मेरा जो ऐप है उस पर भी ऐड शो होना कम हो गया था, बहुत कम हो गया है और इसका सोल्यूशन भी मैं निकाल लिया। और मैं आपको एक बात बताऊँगा कि मैंने भी ट्राई किया था कि इसका सोल्यूशन क्या है, यूट्यूब पर भी देखा कि कोई और लोगों ने वीडियो दिया है कि नहीं, तो उसमें एक सोल्यूशन मुझे मिला कि एपिक एडिटर से कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं एपिक एडिटर से, उसके बाद एंड्रॉइड का जो ऐप है हमने जहाँ पर बनाएंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो हो या थैंकेबल पर हो, तो एडिट करने के बाद वो ऐड शो होने लगते हैं। लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, वो लीगल भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम वहाँ पर एडिट करेंगे तो साथ ही साथ ऐड शो होते हैं। मैंने भी ट्राई किया, वो ऐड शो हो रहा था एपिक एडिटर से, उसका एक ट्यूटोरियल है ना, आप शायद उसको देख लिया होगा, तो उससे ऐड शो हो जाते हैं लेकिन एक दो घंटे बाद ऐड शो नहीं होगा। और एपिक एडिटर पर एडिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन होगा वो साइंड नहीं होगा, उससे साइंड हट जाएगा। अगर आपका एपिक जो है वो साइंड है, साइंड एपिक है, तो भी वहाँ से साइंड हट जाएगा और उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर डाल नहीं सकते। और एक दो घंटे बाद वहाँ पर जो ऐड शो हो रहा था वो भी बंद हो जाते हैं। मैंने ये ट्राई किया, तो इसका मेन सोल्यूशन क्या है? तो गाइस मैंने जब नया ऐड यूनिट क्रिएट किया एडमोब पर और उसके बाद जब थैंकेबल का जो ऐप है और एंड्रॉइड स्टूडियो का ऐप है उस पर मैंने वो सब ऐड यूनिट डाला, तो उसके बाद मुझे ऐड शो नहीं हो रहा था, उस पर पेज भी आ रहा था और ऐड रिक्वेस्ट भी है लेकिन ऐड शो नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि यार ऐड शो क्यों नहीं हो रहा, तो बहुत सारे मतलब 1% भी ऐड शो नहीं हो रहा था, 1% 2% 1000 ऐड रिक्वेस्ट है तो उसमें 4-5 ऐड शो हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि जब भी एक दो दिन बाद, मतलब आज ऐड यूनिट क्रिएट किया तो एक दो दिन के अंदर में ऐड तो शो नहीं होता है, 3-4 दिन बाद थोड़ा बहुत ऐड शो होने लग रहा है वो जो ऐप्स है। इसके बाद मैंने फिर से एक ऐड यूनिट क्रिएट किया तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, ऐड शो नहीं हो रहा था और मेरा जितना भी पुराना एप्लीकेशन है उसमें ऐड शो हो रहा था। जितना जो भी ऐप्स है उसमें जिस ऐप पर ज़्यादा यूज़र्स है उस पर शो हो रहा था, लेकिन जिस पर यूज़र्स कम है उसमें शो नहीं हो रहा था। तो आज का जो वीडियो है और इसका सोल्यूशन क्या है, उसके बाद जो मेरा नया ऐड यूनिट है उस पर भी ऐड शो होने लगा। जब मैंने देखा कि उसमें एक्टिव यूज़र 500 से ज़्यादा हो गया है तो धीरे धीरे जो ऐड रिक्वेस्ट का, जो ऐड रिक्वेस्ट और इंप्रेशन का एक परसेंटेज होता है, मैच रेट और शो इंप्रेशन का परसेंटेज, वो भी बहुत कम हो गया था। पहले कम हुआ था 1, 2, 3, 4 और धीरे धीरे अब क्या हो गया 90% से ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो ऐप है ऐड शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, इसको प्रमोट करिए। एडवर्ड से आप प्रमोट कर सकते हैं, यार आपके पास किसी और तरीके हैं तो आप वहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। और जब भी आपका जो एप्लीकेशन पर ज़्यादा यूज़र्स होगा उसके बाद धीरे धीरे ऐड शो होने लग जाएगा। धीरे धीरे मतलब अगर आपके यूज़र्स ज़्यादा हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो साथ ही साथ एड्स ज़्यादा शो होने लग जाएगा। और आपका जो ऐड यूनिट है अगर नया है, मान लो कि आज ही क्रिएट किया, तो एक दो दिन में ऐड शो ही नहीं होता है। अगर मान लो कि जितना भी आपके यूज़र्स हो या ना हो तो उसमें कोई बात नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं ये कह रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। एडवर्ड पर क्या होता है, अगर आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको $25 फ्री में देते हैं। तो आप वहाँ से 500 में आप मिनिमम 5000 डाउनलोड करा सकते हैं, अगर जो कीवर्ड है उसमें CPC कम देंगे, CPI बोलते हैं इसको, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।